आपके पास वीवो V40 है, 40 सीरीज का कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे डेटा लिमिट आप सेट कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप सेटिंग पे जाएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर लेंगे। डेटा लिमिट के लिए आप नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सिम 1 पे डेटा लिमिट सेट करना है या सिम 2 पे देख लेंगे, तो मैं यहाँ पे सिम 2 पे आपको बता देती हूँ, सिम 1 पे आप अपने आप कर लेंगे। डेटा यूसेज पे आप ऑन कर देंगे, अगर ये डेटा यूसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट ऑन है तो उसको बंद कर देंगे, तो डेटा यूसेज का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। क्लिक कर लेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस दिन रिचार्ज किया या जिस दिन आपने आपका बिल जनरेट होता है। वार्निंग आप ऑन कर देंगे, वार्निंग आपको कितने GB पे चाहिए वो GB सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो यहाँ पे पूरे महीने का ही मेरे को टोटल पैक में 5 GB मिला है, या पूरे साल भर के रिचार्ज में 5 GB या 6 GB मिला है, तो यहाँ पे मैं वार्निंग सेलेक्ट कर लूँगी। मान लो 5 GB है तो 3 GB पे मैं वार्निंग चाहती हूँ सेट कर लूँगी, और यहाँ पे इसको ऑन करके लिमिट सेट कर देंगे कि टोटल रिचार्ज कितना है, कितने में से लिमिट चाहिए। जैसे कि 5 GB है तो 5 GB सेट कर दिया, 5 GB में से 3 GB खर्च होगा, वार्निंग मिल जाएगी, बाकी का 2 GB मैं बाद के लिए बचा सकती हूँ। तो इससे ये फ़ायदा होता है, किसी को बंद करना है तो यहाँ से डेटा लिमिट बंद कर दिया, वार्निंग बंद कर दिया और बैक कर लेंगे। अब डेटा यूसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इस लाइन पे लिखा हुआ है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।